हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास टेस्ट थर्ड सिलेबस 11th इंग्लिश. फर्स्ट वन इज स्पीच, आई एक्सप्लेन इट अर्लियर स्टूडेंट्स. सेकंड इज़ इंक्वायरी लेटर. यू कैन सी दिस फॉर्मेट ऑफ दिस लेटर इन एसजीटीवी चैनल. एंड थर्ड वन इज लैंडस्केप ऑफ द सॉल. फोर्थ डिस्कवरिंग टथ, द सागा कंटिन्यूज. आई एक्सप्लेन दिस लेसन इन रिविजनल वीडियो सेकेंड. एंड लास्ट वन इज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एंड द लैंडस्केप ऑफ द सॉल. दिस लेसन रिप्रजेंट द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेंटिंग्स. इज दैट द ईस्टर्न पेंटिंग इज नॉट फैक्चुअल एंड इट डज नॉट रिप्रजेंट एन एक्चुअल व्यू एज ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग डज. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वू दाउजी द चाइनीज पेंटर, जो कि एक चाइनीज पेंटर थे, वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एम्परर्स एप्रिसिएशन ऑफ हिज आर्ट एंड हिज आर्ट हैड ए मच डीपर मीनिंग विच ही वॉन्टेड द व्यूअर टू कम्प्रीहेंड बाई एंटरिंग हिज माइंड. यानी वू दाउजी एक बहुत ही अच्छे पेंटर थे, चाइनीज पेंटर थे, और जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं उनको है इस तरीके से व्यूज़ किया जाता है फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल एंड एग्जैक्टली द वे द आर्टिस्ट वॉन्टेड यू टू सी इट. ओके स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर इंडियन एक पर्सन है नेक चंद, उनका भी यहाँ पर जिक्र हुआ है कि नेक चंद है वॉज मेड द डायरेक्टर ऑफ हिज क्रिएशन द रॉक गार्डन. जो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन सिचुएटेड है उसको बनाने में जो नेकचंद जी हैं उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. ही वाज ऑनर्ड बाय द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स. उनको है जो यूनेस्को के द्वारा ऑनर दिया गया है. एंड देयर वर इंटरेक्टिव शोज रिलेम ऑफ नेकचंद हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली. तो इस तरीके से इस लेसन के अंदर है पेंटिंग्स के बारे में, मतलब इस तरीके से पेंटर पेंटिंग बनाते थे, ऐसे लगता था कि रियलिटी है, वास्तव में ही, मतलब एक्चुअल में ही है. जैसे एक फ्लाई का यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है, वो भी क्विंटन के द्वारा, तो वो भी ऐसे ही लगता है जैसे एक्चुअल में वो फ्लाई है, ड्रैगन है. और फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न के बीच में डिफरेंस है जो मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन कर दिया. और येन के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पर, माउंटेन और रिवर जो रिप्रेजेंट करते हैं येन और येन, माउंटेन और रिवर के बारे में. एंड नेकचंद जी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने वेस्ट जो चीज़ें थी उनको यूज़ करके रॉक गार्डन के अंदर है जो ब्यूटीफुली वहाँ पर लगाया गया है, और रॉक गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है. तो इसकी वजह से उनको है जो ऑनर भी दिया गया, और कई देशों के अंदर है जो उनको मतलब लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस और इटली के अंदर, मतलब वहाँ पर उनका नेम है. नेक्स्ट वन द समर ऑफ द वाइट समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. ये जो स्टोरी है ये आपने करनी है इस टेस्ट के लिए. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ये जो स्टोरी है टू अर्मेनियन बॉयज़ की है, जिनकी फैमिली को, जिनकी ट्राइब को है ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, विश्वास के लिए जाना जाता है, लॉयल्टी के लिए जाना जाता है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू अर्मेनियन बॉयज़ एंड ए वाइट हॉर्स. एक सफ़ेद घोड़े की कहानी है. इन अ विलेज इन सैन जैक्विन वैली, कैलिफोर्निया, वन समर, जो अरम है वो 9 ईयर्स ओल्ड है, और मुराद है जो वो 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है, और दोनों ही हैं जो वो गैरोगलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉन फॉर इट्स ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं. और ये जो टू बॉयज़ आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है. बट दे एंड देयर ट्राइब आर वेरी पुअर, कि वो इतने पुअर हैं कि वो ऐसे घोड़ा है जो अफोर्ड नहीं कर सकते सवारी के लिए. तो इस तरीके से मुराद को एक दिन घोड़ा मिलता है, अपने कज़न को बुलाता है, वो घुड़सवारी करते हैं, और कज़न उसके विश्वास नहीं होता कि मुराद है जो चोरी कर सकता है, विश्वास नहीं होता उसको अपनी आईज़ के ऊपर. और एक मंथ तक अपने पास रखने से जॉन वायरो से जब उनकी मुलाकात होती है, जो कि उस घोड़े के मालिक थे जॉन वायरो, उनसे मुलाकात होती है, तो उनको भी ये विश्वास नहीं होता, वो भी उसको ट्विंस कहकर वहाँ से चले जाते हैं. और एंड में उन बॉयज़ को रियलाइज़ होता है, और वो जॉन वायरो के उधर स्टेबल के अंदर लास्ट में उसको बांध आते हैं. तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है ऑनेस्टी और ट्रस्ट को शो करती है.
तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टेस्ट थर्ड सिलेबस. ऑल द बेस्ट.